नमस्ते, स्वागतम। नवेद के साथ हैं आप लेट्स अप पर। हफ्ता वसूली में आपका स्वागत करता हूं मैं, और पूरे हफ्ते की इस देश की कमाल की खबरों को आपके सामने ला रहा हूं। हमारे देश में एक शादी हुई और शादी के बाद सुहागरात मनाई जाती है। उस सुहागरात वाले दिन दुल्हन पूरी रात बेड पर बैठी रही तैयार होकर, और दूल्हा पूरी रात कंप्यूटर में बराबर वाले रूम में बैठा रहा। इसे होता ही नहीं है। वैसे मैं समझ सकता हूं, आपको अपनी ब्राउजर हिस्ट्री भी तो डिलीट करनी थी ना। यूपी में एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना था, और जिस डेड बॉडी को ये पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, उसके कुछ देर के बाद ये इंसान सामने की सड़क पे चाय पीता हुआ मिला। मतलब कंफ्यूजन में शायद किसी और का पोस्टमार्टम कर दिया। लेकिन एक बात तो तय हो गई, हिंदुस्तानी होने का आपने ये प्रूव दे दिया कि मरने के बाद भी चाय नहीं छोड़ सकते हम। ये लूट मार की खबर अगली आपको बताना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल में दो लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर रात को हाईवे पे खड़े होते थे। जो भी इनकी हेल्प करने के लिए रुकता था उसको ये लूट लेते थे। लड़के लड़कियों के कपड़ों में, वैसे मैं समझ सकता हूं, अब टिकटॉक बंद होने के बाद कुछ तो काम करना है ना। यूपी के आगरा की कमाल की बात सुनिए। यूपी के आगरा में एक इंसान अपनी फेक आईडी से ऑनलाइन चैटिंग कर रहा था एक लड़की से, और ये लड़की भी अपनी फेक आईडी से चैटिंग कर रही थी भाई साहब से। ये सिलसिला 4 महीनों तक चलता रहा। फाइनली एक दिन उन्होंने मिलने की बात करी। जब मिले तो पता चला ये एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ थे दोनों। ये दुनिया की पहली ऐसी बात है जो गलत हुई है और उसके बाद हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं हुई। एक शादी में जिस लड़की की शादी हो रही थी उसने अपनी बारात को वापस कर दिया, ये कहकर कि जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो ये लड़का नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे डिफरेंट फोटो दिखाया था, यानी कि अलग फोटो। अब देखिए, प्रॉब्लम तो आपकी हर तरफ से होनी थी। अगर मान लीजिए आपको ये व्हाट्सएप की फोटो ना दिखा के आधार कार्ड की फोटो दिखाते तो आप मंगनी भी ना करते। अब मुझे चिंता होने लगी, अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता रहा बारात वापस करने का, तो इंस्टाग्राम पे जितने लोग हैं उनकी तो शादी नहीं हो पाएगी। अबे कितने फिल्टर यूज करते हैं आप। बैंगलोर के एक ऑटो वाले की कमाल की बात सुनिए। इन्होंने अपने ऑटो में वाटर कूलर, ऑटो को पूरा बंद करके एसी लगवा दिया, म्यूजिक सिस्टम लगा दिया और खाने पीने का सामान। कुल मिला के इनका ऑटो बन चुका है क्लब। अब बैंगलोर के लोगों के लिए आसानी हो गई कि रात को जब ये पार्टी करने इस क्लब में जाएंगे तो उनको ये चिंता नहीं होगी कि रात को घर वापस जाएंगे तो ऑटो कहां से मिलेगा। और आपको थोड़ी बहुत भी अगर चिंता हो रही है कि मैं यानी कि नवेद कहां मिलेगा, तो यहीं पे लेट्स अप पर अगले एपिसोड में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखा करिए जो आपका रखते हैं। लेट्स अप डाउनलोड करते रहिए, करवाते रहिए। हफ्ता वसूली में अगले एपिसोड में मिलता हूं। बाय।